दोस्तों, इंडोर सीरीज प्लांट में आपका मैं फिर स्वागत करता हूँ। ये है छोटा छतरी, जिसको सेपेंडिया भी बोलते हैं। और इसकी केयर तो इंडोर में रखने का मतलब है कि इसको 12 डिग्री से ऊपर टेम्परेचर बहुत पसंद है। जो इसमें हम गलती प्राय जो करते हैं इसकी केयर में, हम इसमें ओवर वाटरिंग कर देते हैं। इंडोर प्लांट या आउटडोर, आपका पौधा ज़्यादा जल्दी ही खराब होगा जब आप उसमें आवश्यकता अधिक पानी की मात्रा दे दोगे, खास तौर पर पॉट में, क्योंकि जमीन में लगा रखे हो वहाँ ओवर वाटरिंग की कोई ज्यादा समस्या नहीं आती। जब आप पॉट में गार्डनिंग करते हो या प्लांटेशन करते हो तो उसमें विशेष केयर की जरूरत है कि पौधे में कभी भी ओवर वाटरिंग ना हो। इंडोर प्लांट में तो सभी में क्वालिटी होते हैं, वो ज्यादा पानी मांगते भी नहीं है। दूसरा, ये छोटा छतरी लोग मुरझाई पौधे खरीदते हैं। ये देखो, मैंने इसकी कोई भी वो नहीं करी है प्रूनिंग ज्यादा, फिर भी ये अपने आकार देख लो इसका, कितना सुंदर है। इसकी डबल कलर की पत्तियां और इसको सुंदर और सजावटों के लिए फेमस कर देती है। इस पौधे की केयर कीमत आपको ज्यादा कॉस्टली भी नहीं है, 50 से 100 रुपए में आपको आसपास नर्सरी में मिल जाता है। दूसरा, ये कलम से भी उगा सकते हो। तीसरा, ये ऑक्सीजन का भंडार का मतलब क्या है, एक देखो आप, इसकी लुक देखने में ही सुंदर लगता है। इसकी पत्तियों को टच करोगे आप, इसको सनलाइट, इसको कम से कम 3-4 घंटे की सनलाइट काफी रहती है। यानी मतलब जब आप इंडोर लगा रहे हो, इंडोर का मतलब ये है कि आप धूप और अंधेरे में पौधे को रखते हो, वहां पर इतनी रोशनी होनी चाहिए कि पौधे को 3-4 घंटे रोशनी जरूर मिले। ये कृत्रिम रोशनी को भी ग्रहण कर लेता है और आपके वायुमंडल में शुद्ध कर घर की सुंदरता बताएगा। अब आ जाओ वाटरिंग, मैंने आपको बता दिया, हमेशा इंडोर प्लांट में कभी भी कोई हो उसमें वाटरिंग, जब ऊपर वाली 1 इंच की परत सूख जाए उसके बाद वाटरिंग। दूसरा, अगर आपको किसी रूप में ढालना चाहते हो उसी रूप में ढाल सकता है। ये बहुत नाजुक भी होता है, ये देखो, और ये मल्टी सेट भी हो जाते हैं। आपको अगर नजर आ रहा हो देखो, ये रूट डिवाइडर में सीधे इसको अलग कर लो तो ये एक पौधे के कई पौधे बन जाते हैं। कलम से भी इजी ग्रो हो जाता है, ज्यादा कलम की आप कर सकते, जरूरी ग्रो ना होगा। आप देखो, अगर इसको मैं ये ब्रांचा निकाल देता, ये देखो, अरे ये देखो, इसकी लुक अपने आप बोनसाई जैसी आ जाती है। लेकिन मैं ज्यादा, जब तक तो जरूरत नहीं होती पौधे की, बहुत कम करता हूँ, क्योंकि तो अगर ओवर पौधा हो गया पोट से तो फिर तो आपने प्रूनिंग कर ली है। अब इसमें जो कुछ दोस्तों के सवाल थे कि इसके पत्ते कई बार टूट गिर जाते हैं, नहीं, उसका गिरने का कोई कारण नहीं, आप देख भी सकते हो, एक दो पत्ते सूखते हो। देखो, वातावरण के अनुसार ही अपने पुराने पत्ते एक दो झाड़ता रहता है, नए भी आते रहते हैं, लेकिन पूरे का पूरे लीफ ये एक साथ मेरे को अभी तक नजर नहीं आए कभी गिरे हैं। अगर आपके समस्या ये समस्या, उसमें 3 कारण हो सकते हैं। एक ने आपने इसमें ओवर वाटरिंग कर दी, दूसरा अगर ओवर वाटरिंग नहीं किया तो आपने इसके पौधे को लो वाटरिंग मतलब बिल्कुल कई दिन तक इसके नीचे तक की सोल को सुखा दिया हो, यानी मतलब ओवर वाटरिंग और बिल्कुल लो वाटरिंग की वजह से पत्ते गिर जाते हैं। तीसरा होता है जो कि कारण होता है खाद, आपने ये लगा दिया उसके बाद इसमें खाद ही ना डालनी हो। जैसा हरा भरा पत्ता है तो इसमें आप 1 चम्मच, जैसे मैंने इसमें ज्यादा गोबर की खाद जो पोटिंग में दी थी वही डालेगी, एंड स्क्रीन में इसकी वीडियो भी देख लो कैसे पोट किया था। तो उसके बाद में सिर्फ इसमें आधा चम्मच सरसों यानी मस्टर्ड के पाउडर की डालता हूँ और 1 चुटकी उसी में ही हल्दी की, ताकि कोई रूट में प्रॉब्लम हो तो वो हल्दी की एंटीबायोटिक से ठीक हो जाए। तो और ज्यादा इसमें मैंने केयर नहीं किया। तो डिजाइन आपको देख लिया, धूप आपको बता दिया, वाटरिंग बता दिया, स्थान बता दिया कहाँ रखना। वही बात है जैसे इंडोर प्लांट में पहले भी बताया कि सबसे जरूरी होता है सावरिंग। जैसे पत्ती पे मिट्टी ज्यादा बैठ जाए तो पौधे जो एनर्जी पौधे ने लेनी होती है, क्योंकि पत्ता लोग कहते हैं कि ये रूट से खाना बनाता है, रूट से खाना बनाता जरूर है, लेकिन खाना पचाने के लिए जैसे
धूप की आवश्यकता हमें बहुत अच्छी लगती है सर्दियों में। वैसे धूप पत्तियों से ग्रहण करता है, जिससे उस खाने की मात्रा ये पत्तियों से ग्रहण करते हुए दूध में चले जाएगा, तो वो दोनों का मिश्रण ही पौधे की हेल्थी रहने को रख के रखने का एक मात्र कारण होता है। इसलिए पत्तियां उसकी साफ लगा। दूसरा, पत्तियों पे कई बार बीमारी भी आ जाती है, पिछली साइड आप देखे ना, ये नहीं होता कि इस पौधे पे बीमारी है, कई बार दूसरे पौधे के पास रखा हो तो वहां से क्या होता है, कई बार इंटरचेंज करेगा मिलीबग, जैसे गुड़ के पौधे पे मिलीबग का अटैक ज्यादा होता है। आपने कई बार क्या होता है, वो बाहर रखते हो तो गुड़ के पौधे के बड़े पौधे के नीचे हम आमतौर पर रख देते हैं ताकि डायरेक्ट सनलाइट इस पर कम इफेक्ट हो, तो क्या उससे इसमें ट्रांसप्लांट या वो फिर पत्ते खा भी देती है और खराब भी, पौधे को भी खराब कर देती है। तो वाटरिंग करते रहोगे आपको एक तो पता लगेगा कि पौधा स्वस्थ है क्या नहीं। तो अगर जब वाटरिंग हमेशा ही कि इंडोर पौधे की आप सबसे रिक्वेस्ट करता हूँ, कभी पाइप से मत करें, जो पंप शावर पंप आता है नहीं, शावर पंप से करें वो काफ़ी होता है, क्योंकि तो पाइप से करते हैं तो क्या होता है कि मिट्टी ज़्यादा वाटरिंग चला जाता है, जो कि काफ़ी दिन फिर आपको इंडोर नहीं रख पाओगे, क्योंकि तो ज़्यादा मिट्टी गिल्ली इन पौधों को खराब कर देती है। तो इसमें भी सिर्फ ध्यान सिर्फ यही रखना सावर के साथ इसको, क्योंकि जब हम अंदर रखते हैं तो अंदर डस्टिंग घर के अंदर करते भी हैं, उसके क्या है धूल मिट्टी आ जाती है, तो इसको अंदर रखो। और इसका भी वही काम करना है, सावर हमेशा जब इंडोर से आउटडोर शिफ्ट करना हो हमेशा नाइट में शिफ्ट करें इंडोर के पौधे को, जब भी आप 15 दिन में 20 दिन में बाहर शिफ्ट करते हो तो हमें अंदर रख लेते हैं, फिर वो क्या करते हैं 6 महीने अंदर रखा वो धीरे धीरे, कि प्राकृतिक लाइट कब तक सही है इंडोर पौधे का मतलब ये है कि उसको सेमी शेड में बाहर शिफ्ट करते रहे। जैसे मैं आपको पहले भी दिखाता रहता हूँ कि मैं 5-7 पौधे अंदर रखता हूँ, 5-7 सेमी शेड या उसमें, तो रात को जब लेते हैं नहीं कहीं क्या है फुल सनलाइट में इन पौधे को शिफ्ट मत करें, हमेशा बाहर शिफ्ट करना हो जब भी नाइट में करें, ताकि पौधा सुबह तक अपना बाहर के टेम्परेचर में धीरे धीरे एडजस्ट कर ले। ये नहीं है कि आप फुल सनलाइट में एकदम दिन में रख दें तो उससे क्या पौधे का नेचर एकदम बिगड़ जाता है, जैसे हमें सर्द गर्द होता है वैसे पौधे को बिगड़ जाता है और आपका पौधा बेवजह खराब हो सकता है। और ये पत्ते आप देख भी लेंगे सुंदरता इस प्रकार, ये छोटे छोटे पौधे ज़्यादा कॉस्टली भी नहीं है, जो हम बाहर के कॉर्नर वगैरह जाते हैं जो काफ़ी कॉस्टली जाते हैं, कोई 1,000 का कोई 2,000 का, ये पूरा पौधा आप 200 में अच्छे पोट के साथ या 300 में अच्छे पोट के साथ अच्छी डेकोरेशन के साथ अपने घर पे लगाए, डेकोरेशन तो करेगा, वायरिंग भी शुरू करेगा, पॉजिटिविटी भी देगा। उनमें क्या है, उनमें आपने ज़्यादा मेहनत, कुछ लोग मेहनत से रखते हैं कि 15 दिन में अगर आपको 10 मिनट पौधे दे देंगे, शाम को 2 मिनट बाहर निकालने में लगते, सुबह अंदर करने में, उससे वाटर सावरिंग करने में 5 मिनट और 1 मिनट खुदाई में तब महीने में एक बार कर दो वो काफ़ी है पौधों में, और सावरिंग करके बाहर रखना 5 मिनट, फिर इसको अंदर ले जाओ और 15 मिनट आपने इससे ज़्यादा इसकी कोई केयर करने का सकता नहीं, ज़्यादा खाद नहीं मांगता, ज़्यादा वाटर नहीं मांगता, इन पौधे को जरूर लगाए, पर्यावरण को हरा भरा बनाने में खुद भी स्वस्थ रहने के लिए इनका योगदान को अपने जिंदगी में बढ़ाए और देश और विदेश में हरियाली और वायु लेवल अच्छा करने में सहयोग करें। आप वीडियो अगर अच्छी लगे तो लाइक शेयर कमेंट कर दें, वीडियो देखने के लिए दिल से धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय गांधी।